Good morning, students. Although it's time to call you good afternoon, therefore I improve my fault and pay you good afternoon. Dear students, today you will read the important aspect of synthesis to combine two or more than two sentences in one simple sentence by using present participle. Although before it I told you how to combine two or more than two simple sentences in one simple sentence by using present participle. In order to make you go well, I am going to describe it in Hindi. On my second lecture over it, I told you the conditions. The conditions of using present participle. When antecedents and its result are at the same point, then we use present participle. जब दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हों, उन घटनाओं के घटने के समय में कोई अंतर न हो, तो हम ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ये तो हुआ कंडीशन। और मैंने आपको रूल नंबर फर्स्ट बताया था कि अगर पहले वाक्य में फाइनाइट वर्ब का प्रयोग है तो ऐसी स्थिति में हम पहले वाक्य की मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में बदल करके कर्ता के स्थान पर रखते हुए पहले वाक्य के कर्ता को छोड़ करके अन्य सभी शब्दों को जोड़ते हुए कामा लगा करके उभयनिष्ठ कर्ता को पुनः लिखते हुए वाक्यों को जोड़ देते हैं। मैंने आपको संभवतः एग्जाम्पल भी दिया था, उदाहरण भी दिया था आपको। जैसे ही
ही सा ए लायन। अगला है ही लिफ्टेड हिज गन। इसे आपको बदलना है तो पहला कार्य क्या हो रहा है, वो शेर देख रहा है। दूसरा कार्य क्या हो रहा है, वो बंदूक उठा रहा है। शेर देखते ही बंदूक उठा ली। तो पहले वाक्य की मुख्य क्रिया ढूंढो सा, इसे हमने बदला फर्स्ट फॉर्म में हो गया सी, और आईएनजी लगा दिया हो गया सीइंग। सीइंग ए लायन, कामा लगाओ, दूसरा वाक्य जोड़ दो जैसे लिखा, ही लिफ्टेड हिज गन। आगे जो रूल नंबर टू है, रूल नंबर टू, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग जो है अगर मेन वर्ब के रूप में हो तो हम क्या करते हैं कि पहले वाक्य कर्ता के पहले हम बीइंग का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हटा करके और पहले वाक्य में स्थित एडजेक्टिव को लिखते हुए कामा लगाकर दूसरे वाक्य को उसी रूप में जोड़ देते हैं और ऐसा हम कर्ता के उभयनिष्ठ होने की स्थिति में करते हैं। अर्थात कर्ता को जब दोनों वाक्यों कर्ता एक ही होता है तो हम उभयनिष्ठ कर्ता को मेन कर्ता बना देते हैं, मेन सब्जेक्ट। देखें मैंने आपको बताया कि सहायक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो। ही वाज एंग्री, ही किल्ड ए कैट, ही वाज एंग्री, ही किल्ड ए कैट। यहां आप देखें सहायक क्रिया का प्रयोग, सहायक क्रिया जो है पहले वाक्य में है, वाज का प्रयोग है मुख्य क्रिया के रूप में, तो वाज को हटा करके सबसे पहले हमने लगा दिया बीइंग। बीइंग एंग्री ही किल्ड
ए कैट, बीइंग एंग्री ही किल्ड ए कैट. अगला वाक्य देखिए, हरी वाज हंग्री, हरी वाज हंग्री, हरी वाज हंग्री, ही एट ऑरेंजेज. हरी वाज हंग्री, ही एट ऑरेंजेज. यहाँ पहले वाक्य में वाज का प्रयोग मुखिया के रूप में हुआ है. ऐसी स्थिति में हम पहले वाक्यकर्ता के पहले बीइंग लगाते हैं. बीइंग हंग्री कामा लगाओ हरी. प्रिय बच्चों, यदि यदि दो वाक्यों में पहले कथन का कर्ता नाउन हो, दूसरा प्रोनाउन हो, परंतु उस नाउन से संबंधित ही प्रोनाउन हो, तो ऐसी स्थिति में जो जो उभयनिष्ठ कर्ता होगा वो नाउन होगा. जैसे यहां देखें, बीइंग हंग्री हरी एट ऑरेंजेज. अब आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग देखें. पास्ट पार्टिसिपल, देखिए बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर पहले वाक्य में स्थित किसी नाउन या प्रोनाउन की दूसरे वाक्य में विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए. तो विशेषता सूचक एडजेक्टिव को पहले वाक्य में स्थित उस नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाते हैं जिसकी विशेषता बताई गई हो. इस तरह दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं. उदाहरण देखें, आई फाउंड ए वॉच. द इट वाज लास्ट. इसे देखें, सबसे पहले लिखे आई फाउंड माई लास्ट वॉच.
आप यहाँ पर अगर माई ना लिखे तब भी चलेगा, क्योंकि जो जो घड़ी आपको मिली आपके पास थी आपकी ही है माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप माई लिखे या ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैंने माई अपनी तरफ लिख दिया है। अब आप देखिए अगला उदाहरण। आई हैव ए आई हैव ए आई हैव ए पेन It was very costly. I have a pen. It was very costly. अब आप जो adjective है उसे उठाइए, उसे लगाइए उस नाउन या प्रोनाउन के पहले जिसकी विशेषता आप बता रहे। तो ये हो गया आई हैव ए कास्टली पेन। इस तरह से ये पास्ट पार्टिसिपल द्वारा हो गया और अब आप जो है परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा देखिए। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर कार्य और घटना मतलब दो कार्यों के बीच में अगर अंतर है समय का अंतर है दो घटनाओं के बीच में अंतराल है, पहली घटना के घटित होने के बाद दूसरी घटना घटित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। सारा नियम वही है कि कर्ता अगर उभयनिष्ठ है दोनों वाक्यों में कर्ता एक समान है तो हम उभयनिष्ठ कर्ता को लिखते हैं। तो अब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं, तो वह वाक्य जिसमें कार्य या घटना पहले संपन्न हुई हो उस वाक्य कर्ता के पहले हैविंग लगा करके और मुख क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदलकर कर्ता को हटाते हुए पहले वाक्य में स्थित अन्य सारे शब्दों को जोड़ते हुए कामा लगा करके उभयनिष्ठ कर्ता को लिखते हुए और दूसरे वाक्य को उसी रूप में जोड़ देते हैं। उदाहरण देखें ही डेड हिज वर्क ही वेंट होम। अब आप इसे बदलें हैविंग डन हिज वर्क He went home. अगला एग्जाम्पल देखें। He collected the money. He deposited it. He collected money, he
deposited deposited it, इसे बदले having collected money he deposited it. देखिए अगर अगर जो है परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा हम वाक्य जोड़ रहे हैं, अगर दोनों वाक्यों में से कोई वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हम हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं, हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे He was attacked by robbers. He was attacked by robbers. He was attacked by robbers. He went to the police. He went to the police. प्यारे बच्चों देखें आप, पहला वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस में है, इसलिए हम कर्ता के पहले हैविंग बीन अटैक्ड बाय रॉबर्स He went to the police. अब अगले दिन मैं आपको पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सेंसेस पार्टिसिपल का प्रयोग मैंने आज आपको बताया, अगले दिन इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल, ए लॉट ऑफ थैंक्स।